अस्सलाम वालेकुम मैम। कैसी हैं? मैम मैं ठीक हूँ। अच्छी बात है, आप जल्दी उठ जाती हैं। मैम आपकी वॉइस मुझे थोड़ी सी कम आ रही है। मैम हमेशा आपकी क्लास में मुझे आपकी वॉइस कम आती है, पता नहीं क्यों। बस ये बैड लक मेरे साथ ही कनेक्ट है। मैम वो असल में क्या होता है, फिर मैं वो कंसंट्रेशन लेवल के लिए सुनने के लिए मैं मोबाइल बिल्कुल कानों के करीब कर लेती हूँ और मुझे फिर ये स्क्रीन सही से नजर नहीं आती। मैंने लाइक हेडफोन्स वगैरह मैं इसके लिए यूज ही नहीं करती। वो प्रोफेशनल मैंने वो इसके लिए जो हेडफोन के साथ जो स्पीकर होता है वो लिया, लेकिन फिर पता नहीं क्लैरिटी नहीं होती। जी चलो मैं अभी हेडफोन्स ट्राई करती हूँ, लेट्स सी कि उससे कैसे होता है। ठीक है मैम। कैसे हैं हमारे? अस्सलाम वालेकुम। अब सारा बच्चे अपसेट हैं? यस मैम। ओके, मतलब है कि ये हमारे वाले रूटीन के हेडफोन ही सही हैं। नोट्स मिले आपको? नोट्स मिले आपको? नोट्स? यस मैम। हमाइम आपने यूनस, अनस और शमीला को फॉरवर्ड किए हैं? ग्रुप में पर्सनली सबको सब फॉरवर्ड कर दिया। ओके, थोड़ा सा मुझे रिव्यू दे कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। मैम फॉल्स मेमोरी के बारे में पढ़ा था। मैम फॉल्स मेमोरी वो मेमोरी होती है कि जो एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करती है। जैसे हम मैम ये जो शॉर्ट मूवी, मैम ये जो मूवीज होती है और जो चीज़ें होती हैं वो जो दिखते हैं उसको कहते हैं फॉल्स मेमोरी। जी हम आए जो हम अपनी एज के लिए रख रहे होते हैं, जिसके बेसिस पे हम हमारे आपकी आवाज जो है वो बिल्कुल भी सही नहीं आती। थोड़ा सा हेडफोन चेक करें, थोड़ा सा अपनी जगह जो है वो चेंज करें। ओके, निमोनिक्स में हमने पढ़ा, एक्रोनिम्स हमने पढ़े, राइम्स हमने पढ़े। ये वो हमारी सेटिंग होती है जिसके बेसिस पे हमें इजी रहता है चीज़ों को याद रखना। जैसे हम रूटीन लाइफ में कैटेगराइजेशन करते हैं ना, कैटेगरीज हमने बनाई है, तो ये कैटेगरीज हमने अपनी एज के लिए बनाई होती है टू रिकॉल और टू रिमेंबर थिंग्स और इवेंट्स मोर इजीली। अब अगर हमने कैटेगराइजेशन नहीं किया, अब कैटेगरीज देखें ना, ह्यूमन की अगर डिवेलपमेंट की हम बात करते हैं तो ह्यूमन डिवेलपमेंट भी क्राइटेरियाज और सॉरी नॉट क्राइटेरियाज, कैटेगरीज और स्टेजेस पे डिपेंड करते हैं ना। इसी तरह हमारी लाइफ इवेंट्स अच्छे बुरे या हमारे न्यूट्रल, जिसमें हम ना खुश होते हैं ना खफा होते हैं, बस वो हम उस सिनेरियो में या उस चीज़ में अवेलेबल होते हैं। या अगर हमारे फ्रेंड्स देखें ना, फ्रेंड्स के लिए भी हमने कैटेगराइजेशन किए हैं, बहुत क्लोज वन
जिसके साथ एक ऐसा दोस्त है जिसके साथ हम गपशप लगाते हैं, एक ऐसा हमारा कंपेनियन है जिससे हम सिर्फ हेलो हाय करते हैं, सलाम दुआ करते हैं, क्राइटेरिया हमने रखा ना, फिर यही हमारी जो कैटेगराइजेशन है, यही क्राइटेरिया जो है वो हमारे जो है वो रिलेशनशिप में भी है, मदर फादर हस्बैंड वाइफ। अब इनके लिए देखें, लव लव तो एक ही तरह का है ना। प्यार, प्यार क्या है? प्यार वो चीज़ है इन शॉर्ट दैट गिव्स यू गुड फीलिंग्स, दैट गिव्स यू अ प्लेजर, दैट गिव्स यू हैप्पीनेस। तो वो प्यार जो है हर एक के लिए एक एक, एक उसका क्राइटेरिया डिफरेंट है, उसके लिए टर्म एक डिफरेंट है। हस्बैंड एंड वाइफ का जो है दिस इज़ व्हाट वी कॉल लव, स्टूडेंट एंड टीचर का है दिस इज़ व्हाट वी कॉल कंपेनियनशिप ऑन अ बेसिस ऑफ सिंसेरिटी, या हमारा फ्रेंड्स का है वही लव है लेकिन लव के साथ हमने सिंसेरिटी का रखा है। पेरेंट्स का है लव के साथ वही लव है, अफेक्शन हमने शफकत रखी है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हो गए। तो ये हमने इसलिए किया होता है कि हमें आसानी रहे, कैटेगराइजेशन हमारी आसानी के लिए होता है। और ये कैटेगराइजेशन, कुछ कैटेगराइजेशन जो है वो जैसे हम पैदा होते हैं तो वो कैटेगरीज हमें मिली होती हैं। एक हमारा कल्चर जो इन्फ्लुएंस होता है, एक हमारा होता है ना एथनोसेंट्रिसिज्म। एथनोसेंट्रिसिज्म में क्या होता है कि एथनोसेंट्रिसिज्म में हर एक चीज़ को हम अपने कल्चर के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। मेरा कल्चर कैसा है, मेरे कल्चर में फलानी चीज़ को कैसा देखा जाता है, कैसा परसीव किया जाता है, कैसा समझा जाता है। अब मेजॉरिटी हम जो पठान हैं या किपके में रहते हैं, हिंदी को स्पीकर हैं, ये हम क्या करते हैं, हम चीज़ों को अपने पर्सपेक्टिव से देखते हैं। तो ये क्राइटेरिया भी तो इस चीज़ को भी तो माइंड ही मेमोरी ही फॉलो करता है ना। एक हमारा है मेजॉरिटी, मेजॉरिटी नहीं है 99% सबका है, जिसको हम कहते हैं ज़ीनोसेंट्रिसिज्म। ज़ीनोसेंट्रिसिज्म में क्या होता है कि हम अपने कल्चर पे दूसरे कल्चर को प्रेफरेंसेस देते हैं, अपने लाइक अपने कंट्री के प्रोडक्ट्स हैं उस पर हम वेस्टर्न या अब्रॉड या जो और कंट्रीज हैं उसके प्रोडक्ट्स को हम प्रेफरेंस देंगे। सो ये हमारा हो गया ज़ीनोसेंट्रिसिज्म। कैटेगरीज, इसमें भी कैटेगरीज आ गई है ना, मतलब है उस कैटेगराइजेशन को हमने नेम्स दिए, जैसे निमोनिक्स हमारे हो गए, हमने एब्रीवेशन या नेम्स दिए, इस तरह ये कैटेगराइजेशन भी हो गई टू सम एक्सटेंट। अगर हम इसको निमोनिक्स से रिलेट करते हैं तो कुछ ज़्यादा बुरा नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी हमने चीज़ को याद रखना होता है, ईजिली उसको समझना होता है, ईजिली उसको समझाना होता है। क्लियर? यस मैम। जैसे ज़हरा तो अब्रॉड से होके आई है, तो अभी भी आप कंपैरिजन करेंगी ना पाकिस्तानी चीज़ों का और दुबई कतर की या ईरान इराक की चीज़ों का। यस मैम। ये जो आप करते हैं ना, ये आपकी कैटेगराइजेशन है, क्योंकि आपने चीज़ों को दो क्राइटेरिया में डिवाइड किया, एक पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स हो गए, एक वेस्ट वाले प्रोडक्ट्स हो गए या अब्रॉड प्रोडक्ट्स हो गए। तो ये जो आप कंपैरिजन कर रही हैं, इस कंपैरिजन को हम कहते हैं ज़ीनोसेंट्रिसिज्म। ओके मैम। ओके मैम। जी हुमायूं, कुछ ऐड करना चाहते हैं? मैम ऐसे कंपेयर मैम, मतलब हम लोग फॉर एग्जांपल ये जो हम अपने ये जो हम क्लॉथ पहनते हैं मैम, जैसे हम कहते हैं कि जैसे हम कहते हैं मैम कि मतलब फॉर एग्जांपल कुछ जो क्लॉथ्स है वो इम्पोर्टेंट होते हैं, मतलब कुछ बार आते हैं परफ्यूम्स की बात कर देते हैं लोकल इम्पोर्टेंट, तो जो वो करना कंपैरिजन करना आपस में। बिल्कुल कंपैरिजन करना, देखें अगर आप अपनी लोकल चीज़ें हैं ना, एक हमारी कुछ लोकल चीज़ें होती हैं, जैसे कुछ चीज़ें हमारी पठान कल्चर में या हमारे पठान पेशावर एरिया में बड़ी ज़बरदस्त मिलती हैं, वो चीज़ें फिर आपको और कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ भी अगर हम इन अ गुड कंपैरिजन कर रहे हैं या इन अ बैड कंपैरिजन कर रहे हैं, लेकिन अगर हम गुड कंपैरिजन कर रहे हैं तो इट मींस कि हम एथनोसेंट्रिसिज्म फॉलो कर रहे हैं, अपने कल्चर की पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। लेकिन अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं, अपनी कल्चर पे दूसरे को प्रेफरेंस दे रहे हैं, अपने प्रोडक्ट पे दूसरे को प्रेफरेंस दे रहे हैं, तो इसका मतलब है हम ज़ीनोसेंट्रिसिज्म कर रहे हैं। ओके यस मैम। या मैंने आपको असाइनमेंट टॉपिक्स दिया है,
मैंने आपको कोई असाइनमेंट टॉपिक दिया है? नो मैम। नो मैम। असाइनमेंट टॉपिक पे मैं आपको एक दे देती हूँ। असाइनमेंट करना चाहते हैं या क्विज करना चाहते हैं? असाइनमेंट बता रहे हैं तुम्हें। असाइनमेंट आपकी बस में एक एक टॉपिक है। दिस इज अबाउट इंपैक्ट ऑफ रिलीजन, या ये करें या कर्ल्स इन 21 सेंचुरीज, हमारी जो 21वीं सदी में डिफरेंट फिरके बने हुए हैं। तो चलिए मैं आपके LMS पे भी अपलोड कर लूँगी। अच्छा है कि मुझे याद आ गया। तो आप सब डिसाइड करें कि क्विज देना चाहते हैं या असाइनमेंट देना चाहते हैं। देन मुझे हमारे में ज़्यादा आप दोनों में से कोई इन्फॉर्म कर दें। ओके मैम। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है मेथड्स, वो मेथड्स जो जिससे हम मेमोरी की मेजरमेंट कर सकते हैं। अगर हम इसकी हिस्ट्री को देखें तो 1700 में जो था साइकोलॉजी जो थी वो एक एज ए सेपरेट एंटिटी, एज ए सेपरेट फील्ड कंसिडर नहीं होता था। फादर, अच्छा फादर ऑफ, हु इज द फादर ऑफ या फाउंडर ऑफ साइकोलॉजी? मैम आप क्लास में भी कई बार मैम विलियम वुड। मैम पहले मैंने बताया। पहले ज़ारा ने बता दिया। चलिए ज़ारा, इनाम पक्का आपका। थैंक यू मैम। ओके जी, विलियम मॉडल जो थे वो फादर ऑफ साइकोलॉजी थे। फादर ऑफ साइकोलॉजी इसलिए थे कि वो जर्मन थे, तो जर्मनी यूनिवर्सिटी जो है लिप्सिक यूनिवर्सिटी जिसका नाम है, उसमें उन्होंने फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल लैब ओपन की थी इन ऑर्डर टू कंडक्ट सोशल एक्सपेरिमेंट्स ऑफ साइकोलॉजी इन दैट लेबॉरेटरी। तो इसके बेसिस पे जो है साइकोलॉजी जो है एज अ सेपरेट एंटिटी इमर्ज हुआ। फिर साइकोलॉजी जो है सोशल साइंसेस के क्राइटेरिया में आ गया। अब हमारे सोशल साइंसेस जैसे बिहेवियर साइंस हो गया, ये हमारे साइकोलॉजी, फिलॉसफी, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, ये सारे जितनी भी हैं ये हमारे सोशल साइंसेस में आते हैं। सोशल साइंसेस का मतलब है इन विच वी कैन कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स। प्योर साइंसेस जो आपका बायोलॉजिकल या एटॉमिकल जो चीज़ें हैं, दिस इज़ व्हाट वी कॉल प्योर साइंसेस। सोशल साइंसेस क्या है? सोशल, हमने कहा ना बार बार, हमने पढ़ा अरिस्टोटल की बात दैट ह्यूमंस आर सोशल एनिमल्स। तो सोशल एनिमल्स का मतलब है देयर साइकी एंड देयर वे ऑफ लिविंग इन अ सोसाइटी। तो इसलिए ये जो हमारे हैं सोशल साइंसेस बने। इससे पहले लेबॉरेटरी जब नहीं थी, उससे पहले कोई लाइक मेजरमेंट नहीं थी, कोई इस तरह डिवाइस या टेक्निक नहीं थी जिसके बेसिस पे मेमोरी या थॉट्स या इमोशंस या फीलिंग्स को जो है मेजर किया जाता। सो मेमोरी जिस तरह थी, मेमोरी हमारे थॉट जो ये जो है वो इनविजिबल हैं। तो लोगों ने इनिशियली इस पर क्रिटिसाइज़ किया कि मेमोरी जो है वो इनविजिबल है, थॉट्स हमारे इनविजिबल हैं, हमारे इमोशन और फीलिंग जो है वो इनविजिबल हैं। तो इसके मेजरमेंट तो पॉसिबल ही नहीं है। फिर जब लेबॉरेटरी ओपन हुई तो इसकी मेजरमेंट ऐसे किस तरह पॉसिबल हुई? अगर आपके इमोशंस हैं तो आपके इमोशन की इंटेंसिटी क्या है? आपका जो इमोशन है वो आपके फेशियल एक्सप्रेशन से, वो आपके बिहेवियर से शो हो जाता है, वो आपके वर्बल कम्युनिकेशन से, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से शो हो जाता है ना। तो ये टेक्निक हो गई, और इसके लिए डिफरेंट जो है वो डिवाइसेस यूज किए, डिफरेंट इस पे टेस्ट कंडक्ट हुए। आपके आपका जो जेस्टर्स हैं, आप किस तरह एक दूसरे को लाइक अगर आप किसी को वर्बली कहते भी नहीं कि यार बस चुप करो, दिमाग मत खाओ, तो आप जो है आपके जो माथे पे 12 बज जाते हैं ना, अगला समझ जाता है यार दिस इज अ टाइम टू स्टॉप। तो ये जो है ये हवाई हवाई नहीं थे, ये भी एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे कंडक्ट हुए। साइंस बेस करता है पॉजिटिविज्म पे एंड एम्पिरिसिज्म पे, मतलब है कि जो चीज़ एग्जिस्ट करती है, जिस चीज़ को हम देख सकते हैं, उन पे हम एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर सकते हैं। सो इनिशियली जो साइकोलॉजी की डेफिनेशन थी, इस्लामिक जो डेफिनेशन थी, साइकोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ माइंड एंड सोल। तो सोल की जो है फिनोमिना इसलिए रिजेक्ट किया गया कि सोल तो हम देख नहीं सकते ना, तो हाउ इज दिस पॉसिबल कि ये सोल की स्टडी है। फिर अगर मेमोरी की बात करते हैं, मेमोरी के लिए
फिर स्टैनफोर्ड बीनेट जो है मेमोरी टेस्ट जो है वो आया, आपको स्क्रीन दिख रहा है? ओके यस मैम। ओके स्टैनफोर्ड बीनेट का टेस्ट था मेमोरी से रिलेटेड, और उसी के बेसिस पे जो है मेमोरी की जो है मेजरमेंट स्टार्ट होगी। अब मेमोरी मेजरमेंट क्या है? इंटेलिजेंस लेवल, आपका इंटेलिजेंस लेवल कितना है। एक जो है क्वेश्चनेयर सेलेक्ट किया, फिर डिफरेंट जो है पार्टिसिपेंट को ऑब्जर्व किया, ये एक प्रोसेस चलता रहा। जैसे हमने जैसे आप देखते हैं ना, अभी तक जितना भी आपने पढ़ा ग्रेड्स हैं आपके, टोटल परसेंट 100 है, फिर इसमें फिर आपके ग्रेड्स आ गए, फिर आपका अगर मैट्रिक का था फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का था, फिर आपकी डिवीजन थी ना फर्स्ट डिवीजन सेकेंड डिवीजन, इस तरह था ना। अभी आपका जो है वो जीपीए आ गया, कम्युलेटिव जीपीए पे हम फोकस करते हैं ना, सीजीपीए। एक हमारा होता है ना सेमेस्टर वाइज जीपीए, एक हमारा होता है जब सेमेस्टर के एंड पे, सॉरी सारे सेमेस्टर्स के एंड पे जब हम देखते हैं ना कम्युलेटिव जीपीए, मतलब ओवरऑल हमने कितना स्कोर किया है, तो जीपीए सिस्टम आ गया। तो ये सारे जो जितने भी सिस्टम है ये तो मेमोरी पे ही डिपेंड करते हैं कि आप कितना कैपेबल है, कितना स्कोर करेंगे। जितना हमारा स्कोर ज़्यादा होता जाएगा उतनी मेमोरी की हमारी जो है वो मेजरमेंट या उसका जो है वो क्वालिटी या उसका जो है एक्टिविटी या उसका जो है इन्हेंसमेंट जो है वो अच्छा होता जाएगा। जैसे क्वालिटी ऑफ मेमोरी के लिए क्या है, जैसे हमने वो एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ी कि पार्टिसिपेंट जो कि मेंटली प्रेजेंट नहीं थे उनको 60 पार्टिसिपेंट को लिस्ट ऑफ वर्ड्स दिया गया, फिर और पार्टिसिपेंट को भी दिया गया, बिल्कुल। तो ये जो चीजें थी ना, ये जो फिनोमेना था, ये एक्चुअली अगर हम देखें तो ये जो मेजर ऑफ मेमोरी है ना, मेजरमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज हैं, आप कितना एक्टिव हैं, या कोई फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्सेज, या किसी प्रॉब्लम में आप फंस जाते हैं, तो जितना आप जल्दी उस चीज को ओवरकम करते हैं, मतलब है कि आप उतना विजिलेंट हैं, आप उतना इंटेलिजेंट हैं। तो मेमोरी के मेजरमेंट को इस तरह इन्होंने कवर किया। या डिफरेंट जो टेस्ट होते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट, एक हमारा होता है क्रोनोलॉजिकल एज। क्रोनोलॉजिकल एज जो हमारा फिजिकल, जितना हम हमारी ग्रोथ हो रही है, जितना टाइम गुजरता जा रहा है, बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं ना, डेवलपमेंटल जो चेंजेस आ रहे हैं, उन चेंजेस को, डेवलपमेंटल चेंजेस को हम कहते हैं क्रोनोलॉजिकल एज। एक हमारा होता है मेंटल एज, कि जितने हमारी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, जितनी हमारी बॉडी ग्रोथ हो रहा है, उतना ही हमारा साइड बाय साइड मेंटल ग्रोथ भी हो। मेंटल ग्रोथ का मतलब ये नहीं है कि हमारा ब्रेन जो है इनलार्ज हो, मेंटल ग्रोथ का मतलब ये है कि हमारा ब्रेन विद पैसेज ऑफ टाइम, विद बॉडी चेंज, उसमें जो है पॉलिशिंग हो रही हो, उसका जो है एक्टिविटी का क्राइटेरिया इनहेंस होता रहा हो। तो ये हमारी क्रोनोलॉजिकल एज है। जो मेंटल रिटार्डेड बच्चे होते हैं ना, या लोग होते हैं जैसे डाउन सिंड्रोम, वो डाउन सिंड्रोम जिसमें सब जो मेजॉरिटी मेल और फीमेल जो बच्चे बच्चियाँ होते हैं उनकी शक्लें एक तरह की होती हैं, तो उसमें क्या है, उसमें क्रोनोलॉजिकल एज तो बढ़ रही है ना, बॉडी डेवलपमेंट हो रही है, या वो उन बच्चों की बॉडी डेवलपमेंट नहीं होती? मैम बॉडी डेवलपमेंट होती है, लेकिन वो जो सैनिक और होते हैं वो बच्चे रहते हैं जी, उनमें क्रोनोलॉजिकल जो एज है वो उनकी ज्यादा हो रही है, 12 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल, 60 साल, लेकिन उनका जो मेंटल एज है वो स्टॉप हुआ होता है, उनका ब्रेन जो है वो डेवलप नहीं हो रहा होता। मतलब है अगर वो 20 साल का बच्चा या बच्ची है, तो उसका हम कहते हैं ना उसका दिमाग छोटा है, तो जो दिमाग छोटा है उसका मतलब ये नहीं कि दिमाग का जो है वो साइज छोटा है। दिमाग छोटा इसलिए कि उसके माइंड का क्राइटेरिया वहाँ तक लिमिटेड है जहाँ तक 2-3 साल के बच्चे का दिमाग जाता है, बस उससे ज़्यादा उसकी डेवलपमेंट नहीं हुई। मतलब 20 साल में या 25 साल में उसके मेंटल ग्रोथ जो है वो 2 or 3 ईयर्स की बीबी तक ही हुई है। तो इसलिए दिमाग छोटा होने का मतलब ये हो गया कि उनकी मेंटल ग्रोथ नहीं है। क्रोनोलॉजिकल एज, हम जब किसी की मेंटल हेल्थ देखते हैं ना,
तो हम क्रोनोलॉजिकल एज के साथ मेंटल एज भी देखते हैं, या हम रूटीनिकली हमेशा ये सुनते हैं ना, हमेशा बच्चों को कहते हैं, वो बच्चे घर में जो फिजिकली ज़्यादा जल्दी बड़े हो जाते हैं, तो अगर कोई मिस्टेक कर देते हैं कुछ भी, हम कहते हैं कि नहीं फिजिकली तो बड़े हो गए हैं लेकिन दिमाग तो अभी भी इनका बच्चों वाला है ना, सुना होगा? यस मैम। तो यस मैम, ये दिमाग जो है बच्चों वाला का मतलब है कि उनकी, इट डजंट मीन कि उनकी ग्रोथ नहीं हो रही, इट मीन्स कि वो फिजिकली ज़्यादा जल्दी जो है वो उनकी ग्रोथ हो रही है। अब इनका क्रोनोलॉजिकल एज जो है और फिजिकल एज, सॉरी मेंटल एज, वो सेम ही होता है, और बाज लोग जिनका सेम नहीं होता, दिस इज व्हाट वी कॉल मेंटल रिटार्डेड। रिटार्डेशन जो है, अगर किसी ने कहा ना कि रिटार्डेड, अब डीएसएम के अकॉर्डिंग जब हम रिटार्डेड का वर्ड यूज करते हैं तो इट इजंट मैंडेटरी कि हम मेंटल उसके साथ लिखें। रिटार्डेड का मतलब है कि वो मेंटली जो है अनस्टेबल है, और पहले हम लिखते हैं ना मेंटल रिटार्डेड और फिजिकल हैंडीकैप, सो अब क्राइटेरिया चेंज है। रिटार्डेड मेंटल लिखने की जरूरत नहीं, रिटार्डेड मीन्स ओपन एंड शट केस है, रिटार्डेड मीन्स कि वो मेंटली जो है डिसेबल है, मेंटल उसकी प्रॉब्लम है या वीकनेस है। हम लिखते थे फिजिकल डिसेबल या हैंडीकैप, तो वो फिजिकल डिसेबल्ड या फिजिकली हैंडीकैप को फिजिकली हटा दिया। हैंडीकैप, हैंडीकैप का मतलब है कि उसका जो फिजिकल बॉडी अपीयरेंस है, उसके हाथ पांव आंख नाक कान, कहीं पे कोई मसला है, कहीं पे वो उनकी कोई प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये सारा हमारे मेजरमेंट ऑफ मेमोरी में आता है। सो एनी क्वेश्चन? नो मैम। नो मैम। ओके बच्चे, मेमोरी इज इंटरनल एंड अनऑब्जर्वेबल प्रोसेस। जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि इनिशियली क्रिटिसिज्म ये था कि मेमोरी जो थी, या हमारा इंटेलिजेंस लेवल, या हमारी थिंकिंग, हमारा इमोशंस, हमारी फीलिंग्स, ये तो अनऑब्जर्वेबल है ना। एक है इम्प्लिकेट, इम्प्लिकेट दिस इज व्हाट वी कॉल हिडन और इनर। एक है एक्सप्लिकेट, दिस इज व्हाट वी कॉल ऑब्जर्वेबल। अब इम्प्लिकेट जो है वो इंटरनल प्रोसेस है, इंटरनली चीज़ें हैं, लेकिन इंटरनल चीज़ एक्सप्लिकेट तब बनती है जब हम उसको थ्रू एक्शन परफॉर्म करते हैं और थ्रू बिहेवियर परफॉर्म करते हैं। जिस तरह हमारा बिहेवियर होगा, वो हमारे इनर जो एक बैटल है या एक स्टॉर्म है या एक कामनेस है, उसको रिप्रेजेंट करता है ना। जैसे आप आपको कहीं, जैसे लेट सपोज आपका एग्जाम है एंड यू पीपल गॉट लेट, आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा कम है, तो ये टाइम जो आपके पास कम है, अब आपका दिमाग तो कोई नहीं पढ़ रहा ना, और आपका दिल तो कोई नहीं देख रहा, तो जो आपके अंदर चल रहा है वो तो कोई नहीं देख रहा। जिस तरह आप हेजिटेशन में काम कर रहे हैं, जिस तरह आप हेजिटेशन में स्टेप्स ले रहे हैं, तो ये जो है ये विजिबल साइन है कि यू आर गेटिंग लेट या यू ऑलमोस्ट गॉट लेट। So at times we feel that we don't remember all that we had learned earlier. In such a situation we come face to face with imperfect nature of our own memories. Imperfect natures of our own memories, जो हम सोच रहे होते हैं, अच्छा ये मैंने किया था लेकिन मैंने क्या किया था, मैं कहाँ गई थी और मैंने किससे क्या बात की थी, this is what we called imperfect memories या imperfect nature of memories। मतलब वो scenario, वो situation हुआ है, वो हमने store भी किया है, लेकिन अब उसको रिकॉल करने में या रिट्रीव करने में, इंफॉर्मेशन रिट्रीव करने में हमें प्रॉब्लम हो रही है। और कॉग्निटिव सिस्टम फॉर लर्निंग, स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन एंड थ्रोइंग अ चैलेंज फॉर इट्स असिस्मेंट, द क्रेडिट फॉर द फर्स्ट सिस्टमेटिक असिस्मेंट ऑफ मेमोरी गोज टू एबिंगस 1900। अब जैसे हमारा रोशा है, रोशा का नाम तो सुना होगा ना, एक साइकोलॉजिकल टेस्ट है, पर्सनैलिटी टेस्ट, हरमन रोशा ने इसको डिस्कवर किया था। खैर से जब इंशाल्लाह आप क्लिनिकल साइकोलॉजी पढ़ेंगे, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनेंगे, तो ये चीज़ें आप फॉलो करेंगे। जैसे एक है ना टी ए टी का मतलब है थमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट, ये एडल्ट्स पे कंडक्ट होता है। एक है हमारा CAT चाइल्ड अप्रिसिएशन टेस्ट, एक हमारा जो फाइनल एंड डिफिकल्ट टेस्ट है, दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड रोशा, एंड ये जो है
दिस वॉज प्रजेंटेड बाई या इन्वेंटेड बाई हरमन रोशा, तो उन्होंने अपने नेम के साथ ही, रशियन था, अपने नेम के साथ ही इसको जो है लेबल किया है. तो अब इसकी जो असेसमेंट होती है ना, असेसमेंट का मतलब है इसकी जब हम फाइनल एवेल्युएशन करते हैं. अब ये टेस्ट उस, अच्छा ये रोशा में ये होता है बच्चे कि डिफरेंट कार्ड्स आपको दिखाते हैं. रोशा के जो स्पेसिफिक कार्ड्स हैं आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, या जो भी क्लाइंट पेशेंट है आप उसको, उस क्लाइंट या पेशेंट को उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है वो कार्ड्स शो करते हैं. लेट सपोज आपने सारा कर लिया कि उसको क्या प्रॉब्लम क्या नहीं, अब आपको नो हाउ है क्योंकि आप पढ़ते हैं ना, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होंगे इंशाल्लाह, तो आपको नो हाउ होगी कि कौन सा कार्ड जो है किस सिम्टम्स या किस डिप्रेशन या किस प्रॉब्लम के लिए है. फिर आप उनके लिए वो कार्ड सेलेक्ट करेंगे, फिर आप उनको वन बाय वन वो कार्ड शो करते जाएंगे. आप वन बाय वन शो करते जाएंगे और साथ में आप लिखते जाएंगे. अगर क्लाइंट का कंसेंट है तो आप उनसे रिकॉर्डिंग का कह सकते हैं दैट शेल वी रिकॉर्ड योर वॉइस और शेल वी रिकॉर्ड वट एवर यू आर सेइंग ड्यूरिंग दिस सेशन. अगर उसने कंसेंट दिया, एक एथिकल वे है ना. अब ये जो आप क्लिनिकल पढ़ेंगे, क्लिनिकल में साथ साथ आप APA की जो है एथिक्स पढ़ेंगे, तो आपने उसी एथिक्स के अकॉर्डिंग इन चीज़ों को फॉलो करना है. अच्छा, फिर आपने वन बाय वन जब कार्ड आप शो करते हैं तो आपने लिखना है इवन कि क्लाइंट कहाँ पे स्टॉप होता है, कहाँ पे उसकी फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो रहे हैं, कहाँ पे वो रेस्टलेस फील कर रहा है, ये सारा आपने मेंशन करना है. सारा आपने सब कुछ लिखना है. फिर जो आपने लिख लिया ना, इवन कि आपने जहाँ पे फुल स्टॉप डाला है या जहाँ पे आपने लिखा है कि वो कहीं पे परेशान है या रेस्टलेस हो गया, तो हर एक चीज़ की एक डिफरेंट मीनिंग है. फिर उसकी बड़ी बड़ी बुक्स हैं असेसमेंट के लिए जो है, ये इसके दो बड़े बड़े बुक्स हैं. लाइक एक बुक जो है मोर देन 1500 और 1200 की एक किताब है इसकी. फिर आपने उसी के अकॉर्डिंग में इसकी जो है इसका जो है रिजल्ट फाइंड आउट करना होता है. और ये जो हमारा पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, इसमें वो चीज़ें भी सामने आ जाती हैं जो कि क्लाइंट या पेशेंट आपके साथ डिस्कस नहीं करता. अब ये भी इंटेलिजेंस हो गया ना कि वो ऐसे थॉट्स, ऐसे ऐसे उनके इवेंट्स या उनके ऐसे लाइफ एपिसोड्स जो वो आपसे नहीं शेयर करना चाह रहा या जिसमें उसने आपसे झूठ बोला है, वो आपको पता चल जाता है. तो ये भी सॉर्ट ऑफ मेमोरी मेजरमेंट हुई ना. आप अपनी मेमोरी को यूज़ किया तभी आपने अगले की जो है फ्लॉजेस को या अगले की जो है बिहेवियर को या अगले की पर्सनैलिटी को या लाइफ स्टाइल को जो है उसकी असेसमेंट की. क्लियर? यस. कौन बनना चाहते हैं? यस मैम. साइकोथेरेपिस्ट कौन बनना चाहते हैं? कोई नहीं बनना चाहता. मैं, मेरा तो उसकी तरफ है, न्यूरो की तरफ है. आप न्यूरो साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं? यस मैम. लेकिन बच्चे पेशावर में तो न्यूरो साइकोलॉजी है ही नहीं. न्यूरो साइकोलॉजी के लिए आपको अब्रॉड जाना पड़ेगा. पता है मैम जी. ज़ारा बच्चे आप क्या बनना चाहेंगी? मैम फिलहाल कौन क्लियर नहीं है. आप मम्मी ही बनना चाहेंगी? मम्मा मैम मैम वो फिलहाल मतलब मैं सजेशंस पूछ रही हूँ सबसे तो, लेकिन मैं फिलहाल कंफर्म सोचा नहीं है. चलिए अच्छा, वो याद रखे ना, ज्यादा सोचना इरादों को कमजोर बना देता है. यस मैम. मैम मैं कंफ्यूज्ड हूँ इस बारे में कि क्या करना चाहिए, कौन सा ज्यादा बेटर है. कैसी ये आप औरों से मत पूछे ना, दिस इज योर लाइफ है ना. और आपको पता है कि आप में क्या चीज करने का टैलेंट है. अब अगले को तो नहीं पता ना कि ज़ारा में क्या टैलेंट है. अगर अगले को पता भी है कि ज़ारा में क्या टैलेंट है तो क्या कोई गारंटी है कि अगला हमें जो है वो इन अ गुड वर्ड जो है मोटिवेटिंग चैनल पे हमें जो है सपोर्ट करे, हमें प्रमोट करे? नो मैम. यू आर द ओनली पर्सन टू हेल्प योर ओन सेल्फ. यस मैम. हम ही वो लोग होते हैं जो खुद की मदद कर सकते होते हैं.
जैसे मैंने अभी कहा ना नहीं नहीं आज लेक्चर अच्छा नहीं, आज मैं अच्छी ड्रेसिंग नहीं की, आज ये है आज वो है, जब मैंने बोल दिया ना इट मीन्स कि आप सबको रियलाइज हो गया कि जी मैडम का जो है वो तो सेल्फ एस्टीम बड़ा लो है, इसको तो पता ही नहीं है, उसने कह दिया तो बस कह दो हाँ हाँ मैडम ये नहीं है, और आपने अपने दिल का भड़ास भी निकाल दिया, मैडम फलाना लेक्चर भी अच्छा नहीं था. सो अगली को मौका ना दें. खैर अभी तो टाइम है जी. मोहम्मद अनस अजीम. अस्सलाम वालेकुम मैम. वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैम. मेरा तो दो टारगेट है. आवाज आपकी बड़ी स्लो है, आवाज आपकी बड़ी स्लो है मैम. मेरा तो दो टारगेट है, या क्लिनिकल या ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी. ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, गुड. लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी से ज्यादा जो बेटर है दिस इज क्लिनिकल साइकोलॉजी या फॉरेंसिक साइकोलॉजी. पेशावर यूनिवर्सिटी ने अनाउंस किया हुआ था, सो मैं भी इसके लिए बड़ा जो है वो एक्टिव थी. लेकिन फिर मुझे पता चला कि जो फॉरेंसिक साइकोलॉजी है मेरा खुद का भी बड़ा इंटरेस्ट है, लेकिन पहले मेरा फोकस था कि मैं पीएचडी कर लूँ, फिर उसके बाद जो है मैं फॉरेंसिक की तरफ जाऊँगी. देन पता चला कि यार अनाउंस तो हो गए लेकिन कोई बुक्स नहीं है, कोई टीचर ही अवेलेबल नहीं है, और दो साल का जो कोर्स है वो आपको पाँच साल में करना है. सो देन हमने वो कर दिया. तो आप ऐसी चीज़ लें जिसकी आपके पास मटेरियल अवेलेबल हो, जो आप पढ़ सकते हैं, जिसके लिए आपके पास क्राइटेरिया हो. लेकिन साइड बाय साइड ये चीज़ भी याद रखें, कीप दिस इन योर माइंड, कि साइकोलॉजी का स्कोप पाकिस्तान में बड़ा लो है. और जो साइकोथेरेपिस्ट है ना, साइकोथेरेपिस्ट इनकी एज सच अगर देखें ना, पाकिस्तान में कोई लोगों को आइडिया नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है इनके बारे में. तो लोग कहेंगे कि यार अगर हमारी हमने 1500 चार्ज किए तो कहेंगे 45 मिनट के लिए 1500 रुपए क्यों दिए, और साथ में हमें दवाई भी नहीं मिली. तो ये चीजें आपने साइड बाय साइड माइंड में रखनी है, फिर आपने स्टेप लेने हैं. ओके जी. सिंस देन सेवरल स्टडीज हैज बीन रिपोर्टेड इन व्हिच वेरियस मेथड्स ऑफ assessing या measuring memory have evolved. The amount of information retained in memory can be inferred from observable performance on various tasks. They are both direct and indirect method of measuring memory. The direct method of measuring memory are called recall, recognition, relearning, reconstruction. Recall, याद करना. Recognizing, पहचानना. रीलर्निंग, दोबारा से चीज़ को याद करना. लेकिन रीलर्निंग में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन होती है. एक चीज़ जब हम एक बार याद कर लेते हैं ना, तो दोबारा जब हम उसको याद करते हैं या दोबारा जब हम उसको जो है इनहेंस करते हैं, तो थोड़ा सा इसमें चेंज आ जाता है ना. यस मैम. रिकंस्ट्रक्शन, अब ये जो कंस्ट्रक्शन है रिकंस्ट्रक्शन, ये वो बिल्डिंग वाला कंस्ट्रक्शन नहीं है, ये वो रिकंस्ट्रक्शन है कि दोबारा से आपका जो माइंड है या आपका जो मेमोरीज है, आप दोबारा से उसको सेट कर रहे हैं, री एस्टेब्लिश कर रहे हैं. तो ये डायरेक्ट मेथड हो गया. अब डायरेक्ट मेथड क्या है? अब आपने पहचान लिया, रिकॉग्नाइज कर लिया, तो उसी के अकॉर्डिंग बिहेवियर है. आपको चीज़ याद आ गई तो उसी के अकॉर्डिंग आपका एक्शन है ना, आपकी लर्निंग होगी, उसी के बेसिस पे आपकी परफॉर्मेंस है, आपकी रिकंस्ट्रक्शन हो गई, आपने दोबारा से इसको इस्टेब्लिश किया, दोबारा से इसको मेंटेन किया, तो उसी के अकॉर्डिंग आप जो है अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे. तो ये डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन होगी ना हमारी. यस मैम. इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में क्या है, या इनडायरेक्ट मेथड हमारा क्या है? इनडायरेक्ट मेथड में हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड फोकसेस ऑन द अमाउंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रीवियस लर्निंग टू ए सब्सिक्वेंट लर्निंग सिचुएशन. क्या मतलब हुआ इसका? पढ़ें फिर से प्लीज. मैम जो हमारे जो हम पुरानी मतलब चीजें
हम देख चुके होते हैं जहाँ मतलब हमारे एक चीज जो हम पहले कर चुके हैं उस चीज को मैम दोबारा वो करना रिवाइज करना जी, जो चीज हम कर चुके हैं उसको दोबारा रिवाइज करना। जी अनस, जो चीज हमने पढ़ी है या मतलब देखे हैं मतलब प्रीवियस लर्निंग सब सब इक्विवेलेंट मतलब उसको आई थिंक एज अ सीक्वेंस उसको याद करवाना आई थिंक इट्स ओके। जी शमीला, शमीला कह रही कि आपकी आवाज नहीं आ रही मैम। शमीला को आवाज नहीं आ रही? जी शमीला, और माइक भी ऑफ एज माइक आप ऐसे नहीं मैम कट रही है, बहुत ऐसा आ रही है, बिल्कुल आ नहीं रही है। क्या कह सकते हैं बच्चे, ये आपके साथ ही इतने इंसिडेंट क्यों होते हैं? आप हम जी बकरे वाला सदका देते हैं। चलिए इनडायरेक्ट मेथड क्या है हमारा? मैम मैं बताऊं? जी 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 प्लीज। मैम जो मेरी माइंड में आया मैम, प्रीवियस लर्निंग मैम वो लर्निंग होती है कि जो हम पहले से मतलब याद कर चुके होते हैं अपने माइंड में, जैसे किसी चीज से भी रिलेटेड हो, एंड मैम वो मतलब हमें पता नहीं चलता जब वो हम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट मतलब एक्सपीरियंस के लिए जब हम यूज करते हैं वो चीज, यानी वो अनकॉन्शियसली वो हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कुकिंग मैंने एक बार लर्न की हुई है एंड तो मतलब अगर मैं कुछ और भी चीज कर रही हूँ मतलब वो मैम वो लर्निंग ऑटोमेटिकली उस सिचुएशन को लेकर मैम आ जाती है माइंड में कर लेते मैम उसको कहते हैं। जी शमीला ने नहीं बताया, बिल्कुल सही है जिस तरह ज़ाहरा ने एक्सप्लेन किया है कि आप कोई भी काम करते हैं, जितने भी आप अभी आप लेक्चर के लिए बैठे हैं ना, तो प्रीवियस एक्सपोजर आपका है ना, प्रीवियस एक्सपोजर का मतलब ये क्या आप इस फील्ड से रिलेटेड चीजें जानते हैं, आप इस फील्ड से अवेयर हैं, आपने माशाल्लाह से 2 साल इसको पढ़ा। अब हम जैसे अभी हम कहते हैं कि विलियम वॉर्डेंट है या फ्रॉयड है या स्किनर है, अब ये जो था ये आपका पास्ट एक्सपीरियंस था ना, प्रीवियस एक्सपोजर था, ये पहले आप पढ़ चुके हैं, तो हम हमारे लिए ईजी है कि हम एग्जाम्पल में जस्ट उनके नेम लेबल करें और एक एक्सरसरी से हम रिव्यू दे दें कि इसने ये काम किया। इन डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी जैसे आप पेवलो का नाम सुनते हैं, पेवलो डॉग, तो क्लासिकल कंडीशन आपके माइंड में आ जाता है। ऑपरेंट कंडीशन का नाम सुनते हैं तो आपके आपके माइंड में बीएफ स्किनर आ जाता है, रेड हैन और पिजन एक्सपेरिमेंट्स आ जाती हैं, तो प्रीवियस लर्निंग आपकी हो गई ना। यस मैम, तो वो प्रीवियस लर्निंग आप जो अवेलेबल या करंट सिचुएशन है या उससे रिलेटेड उससे मिलती जुलती सिचुएशन में जब वो आप अपनी लर्निंग को यूटिलाइज करते हैं, आप अपने लर्निंग रिसोर्सेज को यूज करते हैं, तो वो जो आप अपनी प्रीवियस लर्निंग को जो आपने यूज किया इन ए न्यू सिचुएशन और इन अ सब्सिक्वेंट सिचुएशन, दिस इज नोन एज इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेमोरी मेजरमेंट। क्लियर? एक्सपोजर है ना? यस मैम, एक्सपोजर हो गए तभी आप स्टेप लेंगे ना। अब एक बच्चा है उसको ये बिठा दो मैट्रिक के एग्जाम देने के लिए, 2-3 का बच्चा, वो नहीं कर सकता, उसको आइडिया नहीं है स्टेप वाइज। जैसे अभी एग्जाम में हम बैठ जाते हैं कभी कभी एक आधा पॉइंट एक आधा क्वेश्चन हमसे इधर उधर हो जाता है, लेकिन हम उसको रिकॉल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, या जो हमारा मेमोरी प्रोसेस है रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन टू रिट्रीव एनी मेमोरी, या अगर वो भी नहीं होता फिर हम क्या करते हैं, देन वी मेक लिंक्स, हम कनेक्ट करते हैं चीज़ों को, ये इस चीज़ के साथ हम इस क्वेश्चन के साथ ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। लेट सपोज एक मैंने आपको क्वेश्चन दिया कोई इम्पैक्ट ऑफ टीवी वायलेंस ऑन चिल्ड्रन, अब जो मैंने आपको बताया वो आपने रिसर्चर का कुछ मेंशन किया, कुछ आप भूल गए, फिर वो बोलने में आपने अपनी ऑब्जर्वेशन लिख दी, क्या होगा क्या नहीं होगा, बच्चों को देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए, मीडिया को क्या करना चाहिए, हमारा क्या रोल है, गवर्नमेंट को क्या स्टेप लेने चाहिए, हमने बच्चों के लिए क्या सिलेक्शन करनी है, बच्चों को हमने कैसी जो है अपब्रिंगिंग देनी है,
ये आपका प्रीवियस लर्निंग हो गया ना, आपने उस सब्सिक्वेंट सिचुएशन में इसको इंप्लीमेंट कर दिया। यस ओके जी। रिकॉल द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड ऑफ टेस्टिंग मेमोरी और मेयरिंग रिटेंशन इज द मेथड ऑफ रिकॉल। इट इज अ पैसिव बट डायरेक्ट मेथड ऑफ मेयरिंग रिटेंशन। रिप्रोडक्शन ऑफ लर्न मटीरियल आफ्टर अ टाइम स्पेंड इज रिकॉल। आप रिकॉल तब करते हैं ना, जैसे अब कल का दिन है तो कल का दिन भी आपकी आपका पास्ट हो गया ना, तो कल का दिन भी आपकी मेमोरी में चला गया। अभी आपका 5 मिनट्स पहले वाला जो था वो भी आपके पार्ट ऑफ मेमोरी बन गया ना। यस मैम। तो वो मैं अगर कहूँ कि अभी अभी तक हमने क्या पढ़ा, जब मैं लेक्चर मोस्टली एंड करती हूँ तो मैं कहती हूँ थोड़ा सा रिव्यू दे क्या पढ़ा हमने या न्यू लेक्चर स्टार्ट करते हैं, तो वो जो आप बोलते हैं तो आप उसको रिकॉल का मतलब याद करना रिटेंशन प्रोसेस।